तो कैसी है हमारी डीप लाइफ फैमिली, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ डीप लाइफ कस्टम्स के एक नए एपिसोड में। तो आज हमारे स्टूडियो में ऐसी चीज आई है जिस पे मैंने घंटों बर्बाद किया है, आप भी घंटों बर्बाद करते होंगे। तो यस, हम लोग के स्टूडियो में आया है एक प्लेस्टेशन 4। आपने अगर कभी प्लेस्टेशन 4 देखा रहेगा तो उसके ऊपर की सरफेस काफी ज्यादा प्लेन बोरिंग ब्लैक होती है। तो आज हम लोग रोल द इंट्रो प्लीज। थोड़ा ज्यादा हो गया आई नो, पर आप लोगों को फील देने के लिए ये सब कभी कभार करना पड़ता है। तो इसी बहाने वीडियो को एक लाइक देके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, जो प्ले स्टेशन आया है और उसपे जो आर्टवर्क बनाना है वो नए जोकर का बनाना है, तो वही हम लोग जाके बनाएंगे। तो अभी हम लोग जाते हैं मेरी ड्रॉइंग टेबल पे एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस कस्टम। मैंने पिछली बार भी एक प्ले स्टेशन कस्टमाइज किया था, पर उसकी लुक थोड़ी डिफरेंट थी। यहाँ से एक लाइन थी, सो अकॉर्डिंग टू प्रद्युत जिन का ये प्ले स्टेशन है, दिस इज द न्यू वर्जन। एक्चुअली इसका टॉप काफी फ्लैट है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसको कस्टमाइज करने में बहुत ही मजा आने वाला है। सो आई एम गोइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ अ जोकर पेंटिंग इस पे, पर उसके पहले मैं इसको टेप से कवर कर लेता हूँ, तो हमेशा की तरह हमारी दो प्यारी टेप्स। तो अभी हम लोग सैंड करेंगे और इसके बाद PS4 कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सरफेस मस्त हो जाएगी, चिकनी चिकनी, जिस पे पेंट चिपकेगा। और ये जो है PS4 का जो लोगो है उसके ऊपर मैं एग्जैक्टो नाइफ से गया, उसके ऊपर मैंने क्लियर टेप लगा दी है। तो गाइज, हमें हमारा रेस्पिरेटर लगेगा और प्राइम करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ हमारा प्यारा प्राइमर दोस्त, प्राइमर ग्रे। तो मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा जोकर का फेस स्केच कर लिया है पेंसिल से हल्के से। तो लेट्स बिगिन। So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends, come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be So guys, right now मैं डिजाइन से काफी ज्यादा खुश हूँ। इसे सील करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ फ्लैट क्लियर। ओके गाइज, मैट कोट मैंने मार दिया है, अभी द सैटिस्फाइंग पार्ट, इसकी हम लोग सारी टेप्स निकालेंगे जो साइड में मैंने लगाई है।
जैसे इन्फ्लुएंसर्स चुपके से ब्रांड्स वीडियोस में इंटीग्रेट कर देते हैं, उसी तरह मैंने ये प्लेस्टेशन का लोगो चुपके से पूरी पेंटिंग में इंटीग्रेट कर दिया है। फाइनली इन पर्सन हमारा आर्टवर्क कुछ इस तरह दिख रहा है, और आप देख सकते हो एक साइड जोकर का फेस है और एक साइड शाओकिन फिनिक्स का फेस है। मैं उनका नाम पता नहीं, आई एम प्रोनाउंसिंग इट इज राइट और रॉन्ग, मुझे कमेंट में बताना उनका नाम कैसे लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट नाम है। तो गाइज, मेरी क्रिएटिव टच देते हुए मैंने ये सोच के ये आर्टवर्क बनाया है कि जो जोकर वाली साइड है दैट इज एक्चुअली इज रियल पर्सनालिटी, जो वो लोगों से छुपाते हैं, पर वो जो वो पर्सनालिटी में जब आते हैं तो उनकी आंख बंद है, मतलब ही इज एट पीस, ही इज काम। और जो उनकी नॉर्मल पर्सनालिटी है, जो अनपेंटेड फेस है, उसमें वो थोड़े गुस्से या फिर थोड़े डिससैटिस्फाइड दिख रहे हैं। और जो बैकग्राउंड देख सकते हो, जोकर के साइड का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा फ्लैशी है, और जो दूसरे साइड मैंने जो व्हाइट बैकग्राउंड दिया है उसमें मतलब एक ब्लैंक कैनवस जैसे, मतलब एक सैड सा बैकग्राउंड दिया है मैंने उधर। तो ऐसी मैंने कुछ कल्पना की है इस आर्टवर्क की, और ऐसे मैंने ये आर्टवर्क बनाया है। इसकी साइज देखे तो ये मेरे सर से भी बड़ा है, तो प्लेस्टेशन की साइज थोड़ी बड़ी होती है। तो आपको ये आर्टवर्क कैसे लगा आप जरूर कमेंट करके बताना। जो मैंने मैट फिनिश दी है उसके वजह से ये ऑलमोस्ट प्रिंटेड ही लग रहा है इसके ऊपर। ये भी एक सब्सक्राइबर का ही है, प्रद्युत। तो अगर आपको कोई मुझे चीज सेंड करनी है फॉर कस्टमाइजेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, आप डीएम कर देना बस। तो गाइस जाके हमारा चैनल देखना, मैं हूँ डीप लाइफ, मैं ऐसे ढेर सारे कस्टम आर्टवर्क्स बनाते रहता हूँ। तो हमारा चैनल आपको जरूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाना, वो सारी चीजें करने से आपको नोटिफिकेशन आएगी एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई अपलोड अ वीडियो। वैसे मुझे जोकर बहुत ही ज्यादा पसंद है, मेरे वॉल पे भी आप देख सकते हो एक जोकर हमेशा होता है। तो ये वीडियो उन सारे लोगों के साथ शेयर करना जिन्होंने ये मूवी देखी थी, जिनको जोकर पसंद है। बस गाइज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लव दिस वन। Thanks for watching this video, and I'll see you in the next one.